हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है जिस पे हम मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो एक लद्दाखी रैपर की है। मैंने उनकी एक और रैप पे रिएक्शन दिया था बहुत टाइम पहले, उसका नाम था बंदे लद्दाख के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उनमें से मतलब उसमें दो रैपर थे उस जो रैप सॉन्ग था, तो उनमें से एक का ये है। इसका नाम है 17, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो मार्क्सी और खेरा के बिहाइंड द लेंस, ये इसके पूरे टाइटल में है लिखा हुआ। और अगर बात करूँ तो ट्रैक है 17 जो नाम है इसका, आर्टिस्ट है इसमें मार्क्सी, वैसे मार्क नहीं है, मार्सी है लिखा हुआ, एम ए आर मार और सी मार्सी, और लिरिक्स भी मार्सी ने ही लिखे हैं। और म्यूजिक प्रोडक्शन है खेरा के और मिक्स मास्टरिंग खेरा के, डायरेक्टेड बाय स्वैंग ऑब्जर। तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी इस सॉन्ग के बारे में। अब फटाफट सॉन्ग को शुरू करते हैं और मतलब इस रैप को, और वैसे वो रैप भी बहुत अच्छा था बंदे लद्दाख के। तो अब मुझे याद नहीं है कि मार्सी उन दो जनों में से कौन से थे, कोई ना वो अभी हम देख लेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत देर से आ रही है और बहुत अलग अलग जनों ने मुझे रिक्वेस्ट की है, पर बीच में एग्ज़ाम जूम आ गए थे और भी बहुत सारे काम थे तो लग नहीं पाया। और कुछ रिक्वेस्ट मुझे पहले से बहुत पेंडिंग थी और उनके लिए भी मुझे रोज़ मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए टाइम नहीं लग पाया। पर कोई नहीं, देरा दुरुस्त आया और फाइनली टाइम मिल गया और आपकी रिक्वेस्ट में मान रहा हूँ। सो अब फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इट, 1 2 3। तेरे रैप की जितना सस्ता तू उतने सस्ते तेरे रैप, शक्ल तेरी चूतिया, नो स्किल्स, बस सर पे तेरे कैप। सीन गली बॉय ऐसा हो रहा है, गली बॉय में कुछ निकला घर से पैडल करने की सोच कर, सोचा सामने कोई बंदा होगा, पर बेटे बच्चा है तू, कदर करूं तेरा हर बीट पे तो भी केस मुझ पे होगा। ये पेन जो है ना बचपन में बहुत यूज किया ऐसे। ओके, अब याद आया दोनों में से ये वाले कौन। कलम हाथ में उम्र बस 17 थी, कब पीने लगा उम्र जब 18 थी, मुश्किल थी जिंदगी हर एक सांस में कटी रही थी, साथ जो थे उनकी गिनती भी घटी रही थी। कलम हाथ में उम्र बस 17 थी, कब पीने लगा उम्र जब 18 थी, मुश्किल थी जिंदगी हर एक सांस में कटी रही थी, साथ जो थे उनकी गिनती भी घटी रही थी। मुश्किलों में बस अकेला खड़ा था, साथ कोई ना था, खाली दर्द ही पड़ा था, मेहनत की मेरी पूरे 5 साल की, रस्तों पे मैं अकेला बस कला साथ थी। हाँ, कला के साथ में बदलना चाहता दुनिया को, सच की ताकत से मिलाना चाहता दुनिया को, सच की राह माता कांटों से भरी है, पर सच की ही ताकत सबसे बड़ी है, तो फर्क नहीं पड़ता कौन आगे कौन पीछे, हकीकत यही हम सब उसके नीचे। हाँ, शीशे बड़े और गाड़ी चाहिए लंबी,
आए जब हाथ में तो लगी ये भी कम ही, मिटती नहीं इंसान में इतनी भूख है, सिर्फ यही चाहिए साला ये तो पहला झूठ है। हाँ खाने को रोटी चार काफी है, पर हरामी है इंसान ने आठ चाहिए। कलम हाथ में उम्र बस सतरा थी, कब को पीने लगा उम्र जब अठरा थी, मुश्किल थी जिंदगी हर एक सांस में घटी रही थी, साथ जो थे उनकी गिनती भी घटी रही थी। कलम हाथ में उम्र बस सतरा थी, कब को पीने लगा उम्र जब अठरा थी, मुश्किल थी जिंदगी हर एक सांस में घटी रही थी, साथ जो थे उनकी गिनती भी घटी रही थी। विश्वास मुझे अपने आप था, जब जिंदगी था रूठा और काला वक्त था, फिर लिखता गया पन्नों पे दिखता गया, जिम्मेदारी थी सर पे और मैं सीखता गया। हजार पत्थर मिलेंगे तुझे जिंदगी के रास्ते, बढ़ता जा आगे मुस्कुरा ले चल हंस दे। कहते हैं जिंदगी की यही एक रीत, हारने के बाद ही तो मिलता साला जीत। नींद नहीं आंखों में अधूरा मेरा सपना, भरोसा अपने आप पे और हाथ सर पे रब का, माँ बाप साथ मेरे उन्हें मुझ पे नाज़ है, पहले दिन से कह रहे वो लड़का अपना खास है। तुम माँ बाप को दिल में रख खाना ये गाएगा, संगीत के सहारे लड़का आफत मचाएगा। फिलहाल काम मेरा समझता यहाँ कोई नहीं, पर कैंसर मेरे पास धीरे धीरे समझ जाएगा। कलम हाथ में उम्र बस सतरा थी, कब को पीने लगा उम्र जब अठरा थी, मुश्किल थी जिंदगी हर एक सांस में घटी रही थी, साथ जो थे उनकी गिनती भी घटी रही थी। कलम हाथ में उम्र बस सतरा थी, कब को पीने लगा उम्र जब अठरा थी, मुश्किल थी जिंदगी हर एक सांस में घटी रही थी, साथ जो थे उनकी गिनती भी घटी रही थी। बात जब कला की तो दिल से हम लिखते, हार या जीत यहाँ दोनों से हम सीखते। देखा है लोगों को मैंने यहाँ बदलते, पर यही जिंदगी है दिल में शिकवाना रखते। सपना बड़ा तो सबर तुझे रखना है, दिल जो बोले वो खबर तुझे रखना है। कांटे मिले तुझे सपनों के सफर पे, तो लड़के आगे बढ़ के सपना मर तुझे रखना है। कलम ये रोती जब देखूं मैं इन फकीर को, सोचता काश बदल सकता इस लकीर को, जोड़ते हाथ मांगते लेके ये उम्मीद, गरीब गुलाम अमीर बन गया वजीर जो। कड़वा सच कड़वा तुझे मेरी बात लगे, तीसरी आंख जैसे खुली मेरी बात लगे। वैसे तो दुनिया मैंने पूरी अभी देखी नहीं, पर जितनी मैंने देखी जिंदगी जैसे किताब लगे। माइक ड्रॉप एडेप्टेड बाय स्वैंग ऑथर। ओके तो बहुत सही था भाई। और उम्र मेरी 17, ये सही में रैपर की एज 17 है। 17 है तो भाई बहुत टैलेंटेड है यार बंदा सही में, और बहुत सही था। म्यूज़िक पीछे का पूरा पूरा जो स्टोरी थी, और रैप तो भाई कमाल का रैप, मतलब बहुत सही से लिखा हुआ है, और लग रहा मतलब दिखता है कि कितनी मेहनत करी है पूरे लिरिक्स को लिखने में, और इन्होंने खुद ही ये वाला जो है पूरा रैप लिखा भी है, क्योंकि बहुत कमाल की बात है। बहुत कम होते हैं ऐसे बंदे जो इतना अच्छा लिख भी पाते हैं और उसे गा भी पाते हैं, तो बहुत बढ़िया था। और ये डेफिनेटली आगे जाके बहुत मशहूर होने वाले हैं, जैसे कि अभी डिवाइन है और भी बहुत सारे हैं, नेजी और एक है ना, मैं वो नाम भूल गया था, मैं रैप इतना ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, पर एक है जो बड़ा फेमस है, बड़े सारे सॉन्ग आते हैं, मचाएंगे मचाएंगे कुछ कुछ ऐसा कुछ गाना था उसका यार, मतलब कुछ रैप था उसका, मचाएंगे मचाएंगे वो बड़े आते हैं उसके यार सही में, मतलब मेरा एक दोस्त है वो बहुत सुनता है उसके, तो वैसे ही इनका ही मुझे बहुत प्राइड लगता है, बस सपोर्ट की जरूरत है इनको थोड़ी सी। और तो मैं चाहूँगा कि अगर आप में से जिसको भी ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो और इनको हेल्प करो थोड़ा फेमस होने के लिए, क्योंकि जब ये फेमस होंगे तभी इनको ज़्यादा बड़ी कंपनीज अप्रोच करेंगी और उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल पाएगा। सो रैप मुझे बहुत सही लगा और काफ़ी अच्छा भी था, और क्योंकि हिंदी में था तो समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आई वरना जो सॉन्ग जो रैप बहुत मतलब होते हैं ना, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर कुछ रैप्स मुझे लिटरली समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो रैप अक्सर बहुत तेज होते हैं और इतने तेज होते हैं कि वो जो है समझ में नहीं आते, ऊपर से वो इंग्लिश में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, पर वो होता है ना कि अगर अगर कोई आपके सामने हिंदी भी बहुत तेज बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश के साथ में सेम होता है,
उतना तेज बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा कम ही सुनता हूँ उसे। पर ये मुझे अच्छे से समझ में आया, इसका रेट ऑफ स्पीच जो था वो, या फिर हम रेट ऑफ डिलीवरी बोलें तो वो बिल्कुल ठीक था, अब वो ज़्यादा तेज ना, बहुत ज़्यादा स्लो, तो इसलिए अच्छे से आया भी समझ में। तो अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, पर अगर आपको ये सॉन्ग पसंद आया तो प्लीज़ ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो भी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करेंगे तभी आगे जाके ये कुछ धमाका जो है कर पाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।